हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, जो कि मैंने सीड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आज में हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या क्या जो कंडीशन है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ताकि जो सीड है वो बिना किसी दिक्कत के इजिली जो है वो ग्रो हो सके, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या कंडीशन जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे टू पार्ट्स में। ए तो है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएगा, ए आपका रहेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स कि एक्सटर्नली जो फैक्टर्स है वो क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका रहेगा इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। तो ये जो जर्मिनेशन सीड है इसे हम लोग पढ़ेंगे दो फैक्टर्स की फॉर्म में, एक तो आपका हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर्स। क्योंकि देखिए, जो भी सीड जर्मिनेट कर रहा है उसको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं दोनों इफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका क्या आ जाएगा, सबसे वन नंबर वन वाटर आ जाएगा, ठीक है, वाटर। सेकंड आपका रहेगा ऑक्सीजन, और थर्ड जो आपका रहेगा वो रहेगा सुटेबल टेम्परेचर। तो ये तीनों जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। आप लोग को भी पता होगा ये जो तीनों मैंने आपको बोले हैं, वाटर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दे एक्ट एट एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब वही अब देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। तो इंटरनल फैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर क्या है, कंप्लीशन ऑफ रेस्ट पीरियड। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर क्या है, वायबिलिटी, वायबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है इंटरनल फैक्टर्स है दे मैटर अलॉट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर इसमें कुछ भी इम्बेलेंस होता है तो जो सीड है वो ग्रो होने में उसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि सपोज अगर आप जो है एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेगा पी सीड का, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। अगर आप पी सीड को आप ग्रो करना है तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है पी सीड को सॉयल में पुट कर देते हैं, उसके बाद जो है उसे छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है सीड जो है वो पूरा एंटायर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्रो हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं जो पी का सीड अगर वो अच्छे से ग्रो करे तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ कंडीशंस बताऊंगा और बताऊंगा इसको कैसे आपको जो है वो ग्रो करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए, ठीक है, एक सपोज बीकर लीजिए, सॉरी मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, आप बीकर लीजिए और इसमें जो है आप अपना सीड जो है वो डाल दीजिए, ठीक है, फिर उसको जो है आप पानी इसमें डाल दीजिए, क्लियर। पानी डालने के बाद आप जो है इसे ओवरनाइट, ओवरनाइट छोड़ दीजिए मिनिमम 8 to 12 आवर, ठीक है। अब 8 to 12 आवर होने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें से आपको इसमें जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, टू स्टेरिलाइज द सीड, स्टेरिलाइज द सीड, ठीक है। तो सीड्स को स्टेरिलाइज करने के लिए आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालना होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो सीड है वो स्टेरिलाइज हो गया, डालने के बाद आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालने के बाद 5 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है। जैसे आप 5 मिनट के छोड़ देंगे उसके बाद जो है, या हम लोग बोल रहे हैं 5 to 10 मिनट्स कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 2 to 3 times जो है सीड को वॉश करना है, 2 to 3 times वॉश द सीड्स,
और जब तक वॉश करना है जब तक जो इसका फोम जो है पूरी तरह से चला ना जाए। क्लियर। अब देखिए, जब आपने जो सीट को जो है स्टेलाइज कर लिया सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के पास साथ, उसके बाद आपको जो है सीट को जो है एक ट्रे में, ठीक है, आपको अब एक ट्रे ले लीजिए। ट्रे के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर डालिए। ब्लॉटिंग पेपर क्यों डालते हैं? ताकि जो सीड है वो इजिली ग्रो हो। ब्लॉटिंग पेपर एज सब्सट्रेट आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीड को डालना है। सीड को डालने के बाद आपको करना क्या है, आपको ब्लॉटिंग पेपर से कवर कर देना है और उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है 3 to 4 days के लिए। आप पर डे आपको इसमें जो है वाटर ऐड करते रहना है। अगर सीड ड्राई हो रहा है तो उसमें जो है आप ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ही पानी डालिए ताकि जो सीड है वो मॉइस्चर ले ले और जो वाटर है वो एंटर हो जाए सीड में, क्योंकि वाटर इज वन ऑफ द मेजर पार्ट और वी कैन से इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, अगर सीड ड्राई हो जाएगा तो वो ग्रो होने में बहुत ही दिक्कत आएगी, इसलिए जो सीड है उसमें कॉन्टिन्यूसली आप जो है देखें, अगर ड्राई हो रहा है तो आप उस पर ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर पानी डालें, तब जाके जो सीड होगा वो जो भी ब्लॉटिंग पेपर में वाटर होगा उसका मॉइस्चर जो है सीड एब्जॉर्ब करेगा और हेल्प करेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब 3 to 4 days के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट दिखेगा, यानी कि यहाँ पे जो है जर्मिनेशन स्टार्ट होता दिखेगा। अब करना क्या आपको, अब आपको जो सीड को जो एक ट्रे में या बोल सकते हैं कोई भी जो भी जिस चीज में आप ग्रो करना चाहते हैं, सपोज एक टब में आप जो है मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद आप जो है अपना सीड डालिए। अब बात आती है यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ठीक है, नॉर्मली अगर पी सीड की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर ऑप्टिमम लाइट की बात करें तो यहाँ पे है 100 to 200 माइक्रो आइंस्टीन लाइट। ठीक है, और आपका वाटर एटलीस्ट वंस आ डे। ठीक है, तो देखिए इस पी प्लांट की बात करें अगर हम, तो इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 20-30 डिग्री है। ठीक है, और जो ऑप्टिमम लाइट है वो 100 to 200 माइक्रो आइंस्टीन, और जो वाटर है वो आपको डालना पड़ेगा जब तक अगर आपको लगे कि जो सॉयल है वो उसमें मॉइस्चर चला गया है, तब जो है आप वाटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये स्पेसिफिक पी सीड के लिए बताया। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर आप जो है +5 ऐड कर देंगे, अगर 35 डिग्री किया तब भी जो प्लांट है वो ग्रो करेगा, लेकिन उसमें जो है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लीव जो है वो ड्राई होना स्टार्ट करे, या लीव जो है वो ड्राई होना स्टार्ट करे। अगर आप इसे 40 डिग्री बढ़ा देते टेम्परेचर, तब जो प्लांट है वो धीरे धीरे ड्राई होता चला जाएगा और जो प्लांट है वो मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। वहीं अगर बात करें लाइट इंटेंसिटी की, तो 100 to 200 माइक्रो आइंस्टीन पे जो लाइट प्लांट हैप्पीली ग्रो करता है। और जो वाटर की बात करें तो अगर आपको वंस अ डे वाटर दे रहे हैं तब भी जो है आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर पी सीड जो है वो ग्रो कर रहे हैं तो आपको कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस आपको मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए वाटर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया वाटर के बारे में। ठीक है, कि वाटर क्या है, इट इज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन जर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिए अब इसी चीज को हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो मैंने ये फिगर आपको यहाँ बना के रखा है, और यहाँ पे देखिए मैंने मैंने टेस्ट ट्यूब में जो है, या हम बोल सकते हैं अपने सबस्ट्रेटम में, मैंने जो है नंबर 1, 2 और 3 सीड्स को प्लेस किया है। क्लियर, तो मैंने 3 सीड्स को यहाँ प्लेस किया है। अब देखिए एक जो सीड है जो कि पूरा वाटर में इम्बाइब है, यानी पूरा पानी में जो है डूबा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो पानी है वो तो एक्सेस में है, और जो सीड के अंदर वाटर है वो पूरा भर चुका है। ठीक है, और इसे कहीं से भी न्यूट्रिएंट है कुछ नहीं मिल रहा है, और जो सीड है के अंदर जो पूरा पानी वो इम्बाइब है, सीड जो पूरा फूला हुआ है। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो सीड है ये रूट फॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी कि जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना इसे लाइट मिल रही है। ठीक है, क्योंकि लाइट भी नहीं इसे मिल रही है, और साथ ही साथ जो देखिए ये पूरा डूबा हुआ है पानी में, जिसकी वजह से क्या है जो पानी है वो पूरा सीड के अंदर भर चुका है, जिससे जो अदर पार्ट्स हैं सीड के वो भी जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो प्लांट ये सीड है ग्रो नहीं कर पाया है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पे देखिए सीड जो है थोड़ा पार्सली जो है वो वाटर में इम्बाइब है, और ये सीड देखिए इसमें से देखिए 2 to 3 days में क्या है जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, और जर्मिनेशन के बाद देखिए आप जो रूट है वो भी यहाँ पे फॉर्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो सीड है इसमें देखिए टोटली इसे बिल्कुल भी पानी नहीं मिला है,
ना ही ऑक्सीजन मिली है, ना सुटेबल टेम्परेचर इसे मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सीड है ये भी क्या है, ग्रो नहीं कर पाया है, ठीक है। तो देखिए इस पोर्शन में क्या है, यहाँ पे वाटर इसे सफिशियंट मिला है, ना ज्यादा वाटर मिला है, ना ज्यादा लाइक पानी कम हुआ है, ना ज्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसे सुटेबल अमाउंट में वाटर मिला है और इसे ऑक्सीजन भी कॉन्टिन्यू मिल रही है, क्लियर, और इसका जो तो टेम्परेचर है वो भी अच्छे से मेंटेन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें देखिए जो रूट है वो यहाँ पे निकल रही है और देखिए पूरा जो सीड है वो जर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो वाटर ना ही बहुत ही ज्यादा होना चाहिए और ऑक्सीजन ना ही बहुत उसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर वो भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा है तब भी जो है प्लांट ग्रो में सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, अगर वाटर बिल्कुल भी नहीं है तब भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। वाटर एक ऑप्टिमम लाइक पीरियड के लिए होना चाहिए, ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही होनी चाहिए ताकि जो सीड है वो वाटर का इंटेक करे और उसके बाद जो है वो हेल्प करे अपने आप को ग्रो करने में। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये मिलता है सीखने को, ठीक है। दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है, तो देखिए जर्मिनेटिंग सीड के लिए रेस्पिरेशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर मोर वैगोरस, ठीक है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो भी जो है बहुत ही जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट टेम्परेचर, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया किसी भी सीड के लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सीड होते हैं प्लांट के जो कि होते हैं 0 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर बात की ऑप्टिमम टेम्परेचर की तो वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स इतने टेम्परेचर पे जो है जो नॉर्मली मोस्टली जो ब्रॉड सीडेड है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सीड है वो इजिली ग्रो करते हैं, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सीड कैन इजिली ग्रो बिटवीन अ टेम्परेचर 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया है, क्लियर। तो ये हो गया आपके एक्सटर्नल फैक्टर, एक वाटर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, लेकिन हर सीड प्लांट का जो सीड है वो वेरी करता है, कुछ प्लांट जो है 45 डिग्री पे ग्रो करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है कौन सा जो प्लांट का सीड है वो आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनल फैक्टर्स, कि आप इंटरनल फैक्टर्स क्या है, तो इंटरनल फैक्टर है फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रियो के लिए जो फूड है वो बहुत जरूरी है, अब फूड जो है वो आता कैसे सीड में, या तो आपको कॉटिलेडन देगा या आपका एंडोस्पर्म, तो टू देयर आर टू वेज फॉर गेटिंग द फूड फॉर एम्ब्रियो, या आपका कॉटिलेडन देगा या एम्ब्रियो देगा या एंडोस्पर्म देगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सिन की, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की, ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं जो ऑक्सिन जो है अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन या इसका अमाउंट हाई होता है तो ये रूट फॉर्मेशन में को इनिशिएट करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, ये शूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है, यानी कि साइटोकाइनिन का रेशियो ज्यादा है और ऑक्सिन का कम है तो शूट फॉर्मेशन ज्यादा होगा और रूट फॉर्मेशन कम, अगर ऑक्सिन का रेशियो ज्यादा है या साइटोकाइनिन का है तो रूट फॉर्मेशन ज्यादा होगा, शूट फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है। तो साइटोकाइनिन अगर आप ऐड करते हैं तो देयर विल बी अ मोर शूट फॉर्मेशन, इफ यू आर एडिंग ऑक्सिन तो हियर विल बी अ मोर रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर कैन आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर जो कि है कंप्लीशन ऑफ रेस्ट पीरियड, ठीक है। अब कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि इमिडिएटली जर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ सीड लिए, आपने हार्वेस्ट किए कोई सीड और आप चाहते हैं कि वो सीड जो है तुरंत अगर हम सॉयल में डालें तो तुरंत उसमें से जो है पूरा प्लांट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर सपोज आपने कोई प्लांट है, ठीक है, सपोज आपने ये प्लांट है, आपने इससे जो है सीड जो है वो हार्वेस्ट किया और आपने दोबारा इस सीड को जो है सॉयल में डाल दिया, ठीक है, अब क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सीड है ये फुल प्लांट में डेवलप हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेस्ट पीरियड है वो अलग है। अब ये रेस्ट पीरियड है ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है, कुछ प्लांट क्या होता है उनमें अगर आप सीड आइसोलेट कर रहे हैं या सीड आपने हार्वेस्ट किया और अगर आपने मिट्टी में दोबारा सीड डाला तो फिर से फ्रेश प्लांट आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें आपने सीड डाला तब भी क्या हुआ, आपको प्लांट नहीं मिला, क्योंकि उनका जो रेस्ट पीरियड है वो अलग है और ये जो रेस्ट पीरियड है ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। तो नेक्स्ट आपका हो गया कंप्लीशन ऑफ रेस्ट पीरियड, जो कि इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारा होता है वायबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वायबिलिटी,
वायबिलिटी क्या होता है, इट इज द जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीड. तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीड्स. ठीक है, तो ये क्या है, जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होती है सीड की. ठीक है, कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सीड आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत वायबल लगेंगे, या बहुत आपको देखने में लगेगा ये सीड जो है बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट है, परफेक्टली इट इज परफेक्टली वायबल. सपोज ये सीड है परफेक्टली वायबल है. ठीक है, लेकिन तब भी ये जो सीड है वो ग्रो नहीं करता है, नॉट ग्रो अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर आल्सो. तो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर में भी ये सीड जो है वो ग्रो नहीं करता है. ठीक है, क्यों नहीं ग्रो करता है, क्योंकि इसमें कंडीशन आ जाती है जिसे हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं. अ कंडीशन कॉल्ड डोरमेंसी. क्या बोलते हैं इसे, डोरमेंसी. ठीक है, यानी देखिए आपको ये सीड जो है देखने में सही लग रहा है कि यार सीड तो अच्छा है, परफेक्टली वायबल है, ये तो इसे तो इजिली ग्रो होना चाहिए. ठीक है, अब आपने यहाँ पे पूरी ऑप्टिमम कंडीशन भी दे दी, आपने सपोर्ट टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखा है, वाटर का भी सप्लाई सही है, ऑक्सीजन भी इसे अच्छा मिल रहा है, बाकी अदर फैक्टर भी आप यहाँ पे दे, लाइट भी जो है ऑप्टिमम दे रहे हैं, तब भी ये जो सीड है ग्रो क्यों नहीं हो रहा है. अब ये ग्रो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब एक कंडीशन आ जाती है जिसे डोरमेंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो वायबल सीड है वो भी जो है ग्रो नहीं कर पाता है. चाहे उसे आप जितनी भी ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दें, वो जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं डोरमेंसी. तो भाई आप क्या किया जाए, जब ये सीड है ये ग्रो नहीं हो पा रहा, अब इसकी डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जाए. ठीक है, डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जाए, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर है या ग्रोथ रेगुलेटर है जो क्या करता है, ब्रेक कर देता है सीड्स की डोरमेंसी को, ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी. ठीक है, तो गिबरेलिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी. क्लियर, तो ये गिबरेलिक एसिड अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, उस वायबल सीड की जो डोरमेंसी है उसे ब्रेक कर देता है, जिसके बाद जो क्या होता है, वो जो वायबल सीड है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो सीड है, ठीक है, उसका जो सीड कोट है, जो सीड कोट है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन या वाटर को अंदर नहीं आने दे रहा है. ठीक है, सपोज एक टाइप का मेम्ब्रेन जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा कि उसमें जो हाईएस्ट सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, वो एंटर नहीं कर पाते हैं, वाटर एंटर कर जाता है सीड में या उस चैनल के थ्रू, लेकिन अदर कंपोनेंट है जैसे सोडियम आयंस, ठीक है, या कोई और मॉलिक्यूल हो गया, तो वो एंटर नहीं कर पाता है. ठीक है, इसी तरह क्या होता है, सीड में भी क्या होता है, अगर सीड कोट जो है वो बहुत हार्ड है, अगर सपोज हार्ड सीड कोट है, हार्ड सीड कोट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेसेसरी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी, या हम बोल सकते हैं जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, वो एंटर नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका सीड कोट जो होता है वो इतना हार्ड होता है कि वो वाटर को भी अलाउ नहीं करता है सीड के अंदर जाने में, और ऑक्सीजन को भी नहीं अलाउ करता है. जब वाटर और ऑक्सीजन जो है वो सीड के अंदर ही नहीं जा पाएंगे, तो सीड जो है वो ग्रो कैसे कर पाएगा बिना वाटर ऑक्सीजन के, क्योंकि सीड को ये दोनों चाहिए, दोनों जो है, दीज टू आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर द सीड टू ग्रो और टू जर्मिनेट. ठीक है, तो ये मैंने जो है कुछ आपके साथ डिस्कस किए हैं, सीड की जर्मिनेशन जो है उसके लिए क्या क्या कंडीशन जो है वो नेसेसरी होती हैं, और जो फैक्टर्स हैं जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं. तो अगर इनमें से एक भी फैक्टर जो है अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी जो है सीड जर्मिनेट नहीं करता है. ठीक है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस की ये सारे जो फैक्टर्स हैं और जो सीड जर्मिनेशन वो कैसे होता है, अगर आप आर्टिफिशियली या बोल सकते हैं कि आप जो लाइक अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल अगर आप सीड को जर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया एग्जाम्पल पी सीड का एग्जाम्पल लेके. तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं. तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि जर्मिनेशन के टाइप्स को. ठीक है,
तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसका ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका जो नीट के एग्जाम में जो है ये सब चीजें जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स जो है सीट जर्मिनेशन में वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।